प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से बाहर जाने के लिए यात्रियों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। राज्य से बाहर जाने के लिए यात्रियों को स्वयं का वाहन या फिर ज्यादा खर्चा करके सफर करना पड़ रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश वासियों को बड़ी राहत देते हुए दूसरे राज्यों में 100 बसें चलाने को हरी झंडी दी है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश राजस्थान को बसों का संचालन शुरू किया जाएगा, उसके बाद अन्य राज्यों में रोडवेज बसों की आवाजाही शुरू की जा सकती है। कर्मचारियों के लिए तो दिशा निर्देश, क्योंकि 4 मई को जब से खुला था, ऑफिस वगैरह खुले थे तो उस समय से ही दिशा निर्देश है, और कर्मचारी 4 महीने से लगातार अपने कार्य पे उपस्थित है। केवल गाड़ी चलने का इंतजार, शासन सरकार से आदेश मिलने के इंतजार में कर्मचारी भी अपने ड्यूटियों पे तैनात है कि जैसे ही आदेश आए तो हम भी अपना गाड़ी चलाएं, सब अपनी अपना ड्यूटी जो है वो करें। तकनीकी कर्मचारी हैं, वो गाड़ियों की जो तकनीकी जो भी खराबी है, जो भी रजिस्टर मेंटेन रजिस्टर वगैरह में दी जाती है चालकों द्वारा, वो अपना पिछले 2-3 महीने से लगातार गाड़ियों को फिट फॉर कर रहे हैं। और हिल का संचालन हमारा लगातार चल ही रहा है, कोरोना काल से ही हिल का संचालन हमारा लगातार चल रहा है। 160 गाड़ी हमारी पूरे उत्तराखंड में अभी तक चल रही है, और अब लगभग 300 गाड़ियां और कल से रूट पे उतरेंगी। तो उनमें किराए की बात थी, संगठन ने भी कहा कि भाई डबल किराए पे गाड़ी नहीं चल पाएगी, लगातार हम लोग बोलते रहे क्योंकि यूपी अपने नॉर्मल किराए पे चला रही है गाड़ी, तो वो तय हो गया कि गाड़ियां नॉर्मल किराए पे चलेंगी, फुल कैपेसिटी के साथ सवारियां बिठाई जाएंगी। तो अब महाजून से वेतन भी परिवहन विभाग में नहीं मिला, तो गाड़ियां चलेंगी, तो कर्मचारियों की भी उम्मीद बन रही है कि गाड़ियां चलेंगी, तो कुछ शासन से जो मदद मिल रही है लगातार, तो कुछ शासन से अगर मदद मिलेगी कुछ थोड़ा अपनी भी कमाई होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे यहाँ 2019 सितंबर से ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाया, केवल इन्हीं कारणों से, कुछ लोग पहले रुके हुए थे फिर कोविड का हो गया। बता दें कि ये व्यवस्था शुरू होते ही राज्य में 2 गुना किराया लेने का आदेश समाप्त हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में पूर्व की तरह सामान्य किराया लिया जाएगा, साथ ही बसों में 50% की जगह अब पूरी सवारी बैठेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी नए आदेशानुसार अब कुल सीटें क्षमता के बराबर यात्री बस में बैठ सकते हैं। इसके साथ ही निजी जीप, टैक्सी, ई रिक्शा और ऑटो आदि में बैठाए जा सकते हैं। हालांकि बसों में खड़े होकर यात्रा करने, कुल सीट क्षमता से अधिक यात्री ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।